मीडिएशन कर रहा हूं या नहीं बना रहा हूं, इसका कुछ कंपैरिजन। नंबर वन, पर्सनल पीवी मेरा कंसम्पशन से आता है। मेरा पर्सनल पीवी कैसे आता है, मेरा जेब से पैसा लाता हूं, मैं प्रोडक्ट लेता हूं, मैं प्रोडक्ट खाता हूं और मेरा पर्सनल पीवी बन जाता है। दैट मींस मैं डीएक्शन करता हूं। मेरा पर्सनल पीवी मेरा जेब से नहीं जाता है, कंज्यूमर, मेरा पास 20 कंज्यूमर है, 30 कंज्यूमर है, वो लोग मुझे पैसे देते हैं, उससे मेरा पर्सनल पीवी बनता है। ये हुआ डीएक्शन बनाना। समझ में आ रहा है? खुद करते हो, डीएक्शन करते हो। अगर पर्सनल टीवी विदाउट योर मनी आपका कंज्यूमर से आता है तो डीएक्शन आपने बना लिया, डीएक्शन आपके लिए बन जाएगा असेट। तो हर एक काम आप जो करते हो, यू शुड थिंक, मैं डीएक्शन कर रहा हूं या बना रहा हूं, मैं डीएक्शन कर रहा हूं या बना रहा हूं, कर रहा हूं या बना रहा हूं। बनाना ऐसा चाहिए, हर एक बात आप डीएक्शन करने के टाइम सोच ऐसा होना चाहिए, 3 साल के बाद ये जो काम मैं कर रहा हूं मैं नहीं करूंगा, फिर भी वो काम होना चाहिए, देन समझो आपका डीएक्शन बन रहा है। सो नाउ ओनली यू स्पॉन्सर। सर मेरे टीम में कोई स्पॉन्सर नहीं करता, सिर्फ मैं ही करता हूं, ऐसा है? कितना भी बोले मेरा टीम में स्पॉन्सरिंग नहीं होता है, मैं ही मेहनत करता हूं, मैं ही स्पॉन्सर करता हूं, और स्पॉन्सरिंग इतना अच्छा नहीं होता है। क्यों? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मैं हूं। बिकॉज हाउ आई ब्रिंग पीपल इनटू डीएक्शन, मैंने डीएक्शन में लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया और मैंने डीएक्शन में लोगों को कैसे लेकर आया। मैंने इनको बोला सर अब डीएक्शन में जाओ, स्पाइरुलिना बहुत अच्छा है आपके लिए, आप स्पाइरुलिना खाएंगे तो बाग बढ़ेगा, चेहरा चमक होगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंज्यूमर बना दिया। कंज्यूमर बना के सर आधार कार्ड दे देना, फोटो दे देना और मेंबर बना दिया। बनाया नहीं बनाया, ऐसा करते नहीं करते बिजनेस, ऐसा कर दिया। ये बंदा क्या करते है, बहुत अच्छे आदमी है, ये उनका काम सही तरह से करते, हर महीना स्पाइरुलिना लेते, हर महीना खाते। मैंने मैडम के पास गया, मैडम को बोला ये टूथपेस्ट अच्छा है, मैडम को मेंबर बनाया और टूथपेस्ट दे दिया। मैडम हर महीना टूथपेस्ट यूज करती है और वो उनका काम सही तरह से करती। सो मैंने इतने कंज्यूमर को बना दिया, मेंबर बना दिया, बट मैंने क्या क्या बोलकर अट्रैक्ट किया, मैंने प्रोडक्ट को सामने रखकर अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के कारण मेरा टीम में जितने भी लोग हैं अच्छे कंज्यूमर है, बट एक भी अच्छा बिजनेसमैन नहीं है, इसीलिए उनको स्पॉन्सर करने का दिमाग भी नहीं है, स्पॉन्सर करने के लिए डीएक्शन में नहीं भी आए, इसीलिए वो स्पॉन्सरिंग नहीं भी करते, बिकॉज उनको दावत ही में गलत दिया। डीएक्शन में जितने प्रोडक्ट है, डीएक्शन में नंबर वन प्रोडक्ट कौन सा है? साबुन। नंबर वन कौन सा? आरजीजीएल। पावरफुल कौन सा? आरजीजीएल। स्पाइरुलिना सब प्रोडक्ट सब है। एफएफ करके एक प्रोडक्ट है, पता है? एक प्रोडक्ट है डीएक्शन में, काफी लोगों को पता नहीं है बट क्राउन एंबेसडर को पता है, वो प्रोडक्ट का नाम है एफएफ। कहां है वो एफएफ? तो एफएफ है हमें, एफएफ कहां है? ये पावर, ये उनके लिए इतना पावरफुल प्रोडक्ट एफएफ क्यों है? जब भी वो डीएक्शन में लोग को लेकर आते हैं ना, आरजीजी को नहीं दिखाते और चाय को नहीं दिखाते, वो दिखाते हैं एफएफ को। एफएफ क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। ये क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। ये मेन प्रोडक्ट है डीएक्शन का। ये सब साइड का प्रोडक्ट है, ये जो मेन प्रोडक्ट को सक्सेस करने के लिए सपोर्टिंग प्रोडक्ट है सब कुछ है। बट हमने क्या क्या फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात ही नहीं करते। सर आपके लिए ये बीमारी है, वो बीमारी है, अगर बीमारी का बात करना है तो गरीबी एक बीमारी है, उसका बात करो।
बिजनेस, उसका दवा है डीएक्शन का सिस्टम, उसका दवा है डीएक्शन का इनकम। जब मैं स्पाइनल एरर को सामने रखता हूं, एक कंज्यूमर बनाता हूं। जब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को सामने रखता हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनाता हूं। तो अभी मेरा खेल मेरा हाथ में है, मैं कैसे ये बिजनेस को पोजीशन करूंगा, हाउ आई पोजीशन माय बिजनेस। मैं सामने वाले को बात करूंगा, उसके बाद किसके बारे में बात करूंगा, सेहत के बारे में बात करूंगा या उसकी आजादी के बारे में बात करूंगा। उसकी आजादी के बारे में बात होना चाहिए, उसे पता ही नहीं वो कौन सा मुश्किल में है, उसे पता ही नहीं, सामने वाला को पता ही नहीं, वो सोच रहा है आज पैसा आ रहा है वो खुश है। बट आप उनको ये बताना चाहिए, जब ये पैसा तेरे लिए आता है वो परमानेंट नहीं है। जब वो परमानेंट नहीं है, जिसमें अब इतना महंगा बढ़ता है, 30 साल के बाद 20 साल के बाद तेरा पोजीशन कहां रहेगा। जब तू बूढ़ा बन जाएगा, तेरा साथी कौन है, उसका प्लान क्या है, मुझे बता। उसका पास प्लान रहेगा नहीं, 90% लोगों का पास प्लान नहीं रहेगा। और मेरा काम है वो प्लान बताना। मेरा काम ये नहीं है तो डीएक्शन ज्वाइन कर ले, डीएक्शन ज्वाइन कर ले, डीएक्शन ये नहीं है। मेरा काम उसका जो मुश्किल है, उसका जो डेंजर है, वो देख नहीं पाता है, उसे सामने लेकर आकर दिखाना। देख खतरा तेरे लिए वेट कर रहा है, तू देख नहीं पा रहा है खतरा को कहां है। ये खतरा आने वाला है, अगर ये खतरा आ जाएगा सिर्फ तू पछताए नहीं पछताएगा, तेरा पूरा फैमिली पछताएगा। इसीलिए आगे चिंगर जा, मेरा काम वो है। मेरा काम एक कंसल्टेंसी काम है, मेरा काम ये काम है दूसरों को हेल्प करना, उनका खतरे को सामने लेकर आकर एक सल्यूशन देना, ये मेरा काम है। अगर वो खतरा वो समझ गया, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं सारी प्रोडक्ट वो खुद बेचेगा, बिकॉज उसे समझ में है खतरा कितना गंभीर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी शुड कीप फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सामने रखना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम को सामने रखेंगे, देन यू बिल्ड डीएक्शन, देन वो स्पॉन्सरिंग करेगा, देन वो सेमिनार में आएगा, देन आपका सब बात करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग का बुक्स पढ़ेगा, बिकॉज उसे समझ में आता है खतरा है। आज मैं कुछ नहीं करूंगा तो खतरा मेरे सामने है। अपलाइन का काम एक ही है, उनको मदद करो जो लोग खतरे को देख नहीं पाते, देख नहीं पाते, उनको समझ ही नहीं है। वो सोचते हैं आज ठीक है, आज जिंदगी चल रहा है, जिंदगी ऐसा ही नहीं चलेगा। खतरा सामने है, वो खतरा को सामने लेकर आना। उनका इनकम क्या है, उनका ड्रीम क्या है, उसका सपना क्या है, ये सपना कैसा पूर्ण हो सकता है। जो इनकम तू कमाता है, इससे तेरा सपना पूरा नहीं होगा, तो इसके लिए तुझे क्या करना है, प्लान बी क्या है। ऐसा एक सोर्स होना चाहिए जो परमानेंट होना चाहिए, ऐसा एक सोर्स जो पैसिव इनकम दे सकता है। देन नेटवर्क मार्केटिंग, देन डीएक्शन बिजनेस, देन उसे बिजनेस समझाओ और उसे सपोर्ट करो उसे सक्सेसफुल बनने के लिए। दिस इज हाउ यू बिल्ड डीएक्शन। और एक चीज, फोकसिंग ऑन रिजल्ट एंड फोकसिंग ऑन प्रोसेस। जो लोग डीएक्शन करते हैं दे फोकस ऑन रिजल्ट, जो लोग डीएक्शन बनाते हैं दे फोकस ऑन प्रोसेस। दो चीजें, एक चीज है रिजल्ट और एक चीज है प्रोसेस। प्रोसेस, ये प्रोसेस और रिजल्ट क्या है, ये मेरा पर्सनल बीवी कितना होगा सर, पर्सनल बीवी कितना होगा, 3,500 ना, हाँ 3,500 पर्सनल बीवी हुआ, 3,500 रिजल्ट है। 3,500 क्या है, रिजल्ट है। अगला मेरा कितना होगा सर, 3,500 होगा ना, ओके। अगले महीना, चार साल का पहले कितना हुआ सर, 3,500, आज 3,500, 40 साल का बाद 3,500। बिकॉज नजर कहां पे है, रिजल्ट। 3,500 बन गया, रुको रुको रुको, बस बस हो गया काम। 1,000 बीवी बन गया, काम रुको, बिकॉज नजर कहां है, रिजल्ट में। ये रिजल्ट कैसा आया, ये रिजल्ट आने के लिए मैंने क्या किया, कंज्यूमर को जोड़ा, इतना कंज्यूमर को जोड़ा जो रिजल्ट खत्म हो गया
ये कंज्यूमर को जोड़ने का प्रोसेस भी खत्म हो जाता है। आप सक्सेस होना चाहते हो, रिजल्ट को मत देखना, प्रोसेस में ध्यान देना। अगर प्रोसेस में ध्यान दे, क्या प्रोसेस है? मेरा नाम क्या है डीएक्शन में? मैं कौन हूं डीएक्शन में? डिस्ट्रीब्यूटर। क्या है? थोड़ा जोर से। डिस्ट्रीब्यूटर। कौन हूं मैं? डिस्ट्रीब्यूटर। काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या है काम? 10 साल पहले क्या काम था मेरा डीएक्शन में? डिस्ट्रीब्यूट करना। आज भी मेरा काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना। सही है ना? ये काम मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये सोचो। 5 साल पहले मेरे पास 4 कंज्यूमर थे, इसीलिए 3000 हो रहा था। इतने प्रोडक्ट आने के बाद कितना कंज्यूमर है? सिर्फ वही 4 कंज्यूमर ही है, और सिर्फ वो 3500 भी हो रहा है। कुछ लोगों को 1000 हो रहा है, कुछ लोगों को 3000 हो रहा है, कुछ लोगों को 3500 हो रहा है। ये एक रुकावट बन जाता है, एक जगह आकर रोक दो, बस पर्सनल डीलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग चला गया रिजल्ट में। रिजल्ट में नहीं जाना चाहिए, मेरा दिमाग होना चाहिए प्रोसेस में। ये महीना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, ये महीना मैंने कितना कंज्यूमर लेकर आया। हर महीना कंज्यूमर को जोड़ना, अगर जोड़ते रहेंगे 4 साल में 200-300 कंज्यूमर रहेगा, आपका पर्सनल पीवी 50,000-40,000 रहेगा। अभी मैंने रोक दिया सर, मैंने रोका नहीं सर, मेरा पर्सनल पीवी को नीचे बांट दिया। क्यों? क्योंकि मेरा डाउनलाइन चल नहीं सकता, मेरा डाउनलाइन बात नहीं कर सकता, मेरा डाउनलाइन बच्चा, मेरा डाउनलाइन पैरालाइज है, इसीलिए उसे मदद करता हूं। अगर आपका डाउनलाइन को पीवी देकर मदद करेंगे ना, वो आपका भरोसा में ही रहेगा। जितना दिन आप पीवी देंगे, उतना दिन आप लीडर बनते हो। जब पीवी नहीं देते हो, आप उसके लिए बुरा बन जाते हो। सही है गलत? बिकॉज आपके पास तो इतने बच्चे हैं, पहले 2 बच्चा था, इसीलिए आपने पीवी दिया। अभी 3 बच्चे नए हो गए, मतलब 3 नया मेंबर हो गया, तो इसीलिए इनको छोड़ दिया, इनको पीवी देना शुरू किया। तो वो दो लोग खुश हो गए। अभी वो दो लोग क्या सोच रहे, ये कैसा ऑपरेशन है, नया आया तो पुराना को छोड़ दिया। ये गलती किसने किया? मैंने किया। मैं सोच रहा पीवी बांटकर मैं मदद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। पीवी बांटकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आपका टीम। ये काम कभी भी नहीं करना। आपका पर्सनल पीवी जब बढ़ना रुक जाता है, समझो वहां पे आपका बिजनेस रुक जाता है। आपका दिमाग कहां होना चाहिए, रिजल्ट में या प्रोसेस में? प्रोसेस में होना चाहिए। प्रोसेस क्या है? ये महीना मेरा नाम डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं कितना नया डिस्ट्रीब्यूट किया, ये लिखना चाहिए हर महीना। ये काम बेसिक काम करना चाहिए। अगर ये बेसिक काम ना करके और दूसरा क्या काम है मेरा? मेरा नाम ही डिस्ट्रीब्यूटर है। नहीं सर, मैं लोगों को जोड़ा, वो दूसरा काम है, बट आपका बेसिक काम एक है डिस्ट्रीब्यूट करना। वो कितने किया ये महीना? आप लास्ट महीना कंज्यूमर ठीक है, ये महीना कितना कंज्यूमर आया वो देखना बहुत जरूरी है। कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द रिजल्ट, सो दैट यू विल बिल्ड द एक्शन एंड यू विल नॉट जस्ट डू